ಗುರುದೇವ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಬೀದರಕಮಲ ಮಧ್ಯೆ ಬದ ಸಮೀ ಸುಂದರಂ ದೃಶ್ಯವೇಗಾತ್ರಂ ಸಾಧಕಾನುಗ್ರಹಾರ್ಥಂ ಶ್ರುತಿ ಶಿಕ್ಷಿವಾಂತಂ ಬೋಧ ಮಾತಂಗಮೂರ್ತಿ ಶಮಿತ್ಯ ಮೇ ಶ್ಲೋಕಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಂ ಭಾವಯಾಮಿ ಹೃದ್ಯಂ ಭುಜೆ ಕಣಿಕ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಸ್ಥಂ ಸಿಂಹಾಸನೆ ಸಂಸ್ಥಿತ ದೇವಮೂರ್ತಿ ಧ್ಯಾಯತ್ ಗುರುಚಂದ್ರ ಶೀಲಾ ಪ್ರಕಾಶಂ ಚತುಷ್ಟಿಕಾಭೀಷ್ಟವರಂ ದಾರಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಚರಣಕಂ ದೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. गत 10 वर्षों से बेरला में साधना शिविर हो रहा है, निखिल चेतना केंद्र हैदराबाद के सानिध्य में. हर बार हम साधनाओं में मार्गदर्शन करते हैं, साधना करने के लिए कहते हैं. आप भी यंत्र लेते हैं, साधना करते हैं या नहीं, आपके पास यंत्र कितने जमा हुए आपके पास पता. साधनाएं करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि हमें जितने हमारे जीवन में समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान हर एक दिन हर एक मनुष्य की नई नई समस्याएं हैं. जितना विज्ञान अपना नया कर्तव्य नया काम बता रहा है, नए नए आविष्कार कर रहा है, समस्याएं भी उतनी ही बढ़ रही हैं. कहीं स्मार्टफोन आ गया, अच्छा फोन आया तो कहते हैं वो गर्म हो गया, फट गया, और किसी का दिमाग फट गया. विज्ञान बढ़ा, काम भी बढ़े, समस्याएं भी बढ़े. कार बढ़ी, साइकिल मोटर आई, मोटरसाइकिल आई, ये सारी चीज़ें आई. जितना तेज भगाते हैं एक्सीडेंट होता है, जाते हैं, ये सब हमारी जीवन की समस्याएं हैं. इस प्रकार समस्याएं अपने जीवन में आते ही रहते हैं, नई नई समस्याएं आ रहे हैं, और नए नए समस्याओं के साथ उसके समाधान में साधनाएं भी उतनी ही आवश्यक हैं. हमारी समस्याओं के समाधान के लिए साधनाएं भी उतनी ही आवश्यक हैं. आजकल आप बीमारियों का नाम लो तो स्वाइन फ्लू है, डेंगू है, टाइफाइड है, निमोनिया है और कैंसर है. ये सारी बीमारियां नई नई आ रही, और इन बीमारियों से हमें कुछ ना कुछ उस बीमारी को नहीं आने के लिए जो भयंकर बीमारियां कहलाई जाती है, जो कल तक जिसका नाम भी नहीं सुना था, आज वो बीमारियां हमारे जीवन में आ रही हैं. फिर उन बीमारियों से हमें छूट लेना है, उस बीमारियों को नहीं आने वैसा देखना है, तो साधनाएं भी नहीं नहीं चाहिए. साधनाएं भी ऐसी ही चाहिए कि हमारे जीवन को कोई ग्रस्त ना कर सके, हमारी स्वतंत्रता को, हमारी बुद्धि को, हमारे मन को, हमारी श्रद्धा को, हमारे देवताओं के पास जाने की क्रिया को कोई रोक ना सके. और ये सारी चीज़ें रोक रही है, चाहे बीमारियां हो, चाहे समस्याएं हो. और आजकल हम एक तरीके से प्रताड़ित नहीं है. प्रकृति हमारे पे तूफान के नाम से, बारिश के नाम, कभी बारिश होती ही नहीं, हुई तो इतनी होती है कि फसल आते नहीं. समस्याएं एक तरह की नहीं है, समस्याएं हजारों तरीके, उसके साधनाएं भी हजारों तरीके. हर एक मनुष्य की समस्या एक नहीं है. किसी की शादी नहीं हुई तो शादी हुई तो बच्चे नहीं हुए, शादी हुई तो पति ठीक नहीं दिखता, शादी हुई तो पत्नी ठीक नहीं रहती. समस्याएं जीवन की अजीब अजीब है. कहीं सास खराब है तो कहीं बहू खराब है, कहीं पत्नी खराब है तो कहीं पति खराब है. इस प्रकार हमारी समस्याएं नित्य नित्य नई नई है, और उन समस्याओं के समाधान के लिए ही प्रभु जी ने साधना का मार्ग चुना. आपको प्रश्न होता होगा कि प्रभु कितनी साधनाएं, कितनी शिविर हमने आज तक, बहुत सारे शिविरों में हमने भाग लिया, लेकिन हमारे समस्याएं जहाँ के वहाँ ही हैं. क्यों है? क्यों समस्याएं जैसी की तैसी है? क्योंकि हम कल तक चलते जाते थे, बाद में साइकिल सवार हो गए, साइकिल पंचर हो गई तो गिर गए, साइकिल से स्कूटर पे आए, स्कूटर से साइकिल मोटर पे आए, साइकिल मोटर से कार पे आए, और कार के बाद आज हेलीकॉप्टर और विमान में जा रहे हैं. दुर्घटनाएं इसमें भी है, एकदम मरने की शंकाएं हैं. जो पहले जाता है तो उसको समस्याएं, इस प्रकार समस्याओं समस्याएं भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है जितने तेजी से विज्ञान बढ़ रहा है. फिर हम इस विज्ञान को बढ़ते हुए देखें तो हम विज्ञान के लिए क्या करना चाहिए, इस समस्याओं के समाधान के लिए क्या करना चाहिए. इसलिए हमारे पूर्वज ऋषियों ने रोग निवृत्ति के लिए, भय निवृत्ति के लिए, शत्रुओं की निवृत्ति. शत्रु कौन से हैं हमारे इसमें? हमारा अहंकार हमारा शत्रु है, हमारी बीमारी हमारी शत्रु है, हमारे आसपास के जो लोग हमें नहीं चाहते वो हमारी शत्रु है, हमारे कार्यों में अड़चन निर्माण करने वाले वो भी शत्रु है. फिर इन सभी से अगर ये सभी हमारे पर हावी होते हैं तो हम कोई साधना संपन्न नहीं कर सकते, ना हम साधना
करने में सक्षम होते हैं, हमें सामर्थ्यवान बनना है। साधना कब करनी चाहिए, साधना किस तरह करनी चाहिए और साधना के करने से हमें फल किस तरह मिलता है। हर साधना में एक एक देवता है, हम चाहे भय निवृत्ति के लिए हनुमान चालीसा पढ़ते हो या और कोई काली साधना करते हो, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी की साधना करते हो, व्यापार चढ़ने के लिए विद्या के लिए सरस्वती की साधना करते हो, ये तो हमारे जीवन की ऐसी साधनाएं, बहुत सारी साधनाएं हमारे जीवन में आ रही है और हम साधनाएं उन उन देवताओं की कर रहे हैं। क्या हमारे इन साधनाओं में हमें सफलता मिलती है, सफलता मिल रही है नहीं मिल रही है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। साधना मिल नहीं रही है, साधना में सिद्धि नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है? मेरा यह कहना था कि आज मैं आपको कुछ बता रहा हूं, आप सुन रहे हैं। अगर मैं कहीं बैठ के बोलूं, आप कहीं बैठ के सुने तो आपको सुने आए तो अच्छा है, नहीं सुने आए तो नहीं। अरे आपकी पुकार मैं सुनूं और मेरा कहा हुआ आप सुनो तो मार्ग मिलता है। इस मार्ग को मिलने से पहले हमें यह देखना है कि हम जिस देवता की साधना कर रहे हैं क्या वो देवता हम साधना करते समय वो देवता सुन रहा है, हमारी पुकार सुन रहा है। देवता सुनेगा तो तुम्हारा काम जरूर करेगा। फिर देवता सुनने के लिए क्या करना चाहिए? देवताओं के उस यंत्र में या उस देवता में, उस विग्रह में, उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। प्राणों का अर्थ है, हम प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र पढ़ते हुए कहते हैं कि हे देवता, तुम्हारे चक्षु, तुम्हारे कान, तुम्हारे प्राण, तुम्हारे नाक कान सब इस यंत्र में प्रतिष्ठित हो या इस मूर्ति में प्रतिष्ठित हो, और उसके लिए आम ह्रीम क्रोम नाम का मंत्र जप करते हुए प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। अरे उस यंत्र में भी प्राण आ जाए, उस यंत्र में भी, उस मूर्ति में भी, उस विग्रह में भी प्राण आ जाए। जब उसमें प्राण आते हैं और आप साधना करते हैं उस यंत्र को सामने रखकर, तो वो अगर सुनता है, वो यंत्र को आपका कहा हुआ सुनाई जाता है तो तुम्हारे काम वो करेगा। कब करेगा? उसमें भी आप सुनाई देते समय आप सुनाने की क्रिया भक्ति से कर रहे हैं, अहंकार से कर रहे हैं, या किसी भावना से कर रहे हैं, या कोई गुस्से से कर रहे हैं, या साधना करते समय ये नहीं है, आपको ऐसा नहीं लगता कि देवता वहाँ है या यंत्र वहाँ है, देवता बैठे हुए हैं, नहीं है। आजकल तो साधना ऐसी हो रही, बाजू में फोन रखते हैं और इधर साधना करके बैठते हैं, आते आते मंत्र में फोन आ गया तो फोन उठा के साधना मंत्र का जप रोक देते हैं और फोन करके बैठते हैं। तो हमारी निष्ठा साधना के प्रति कितनी है, साधना के प्रति हम कितने निष्ठावान हैं, हमारी क्या पुकार भगवान सुनते हैं? जब तक भगवान आपकी पुकार नहीं सुनेगा तब तक तुम आपके काम कैसे हुए? और ये भगवान अपनी पुकार सुनने के लिए, भगवान सुनने के लिए हमें क्या करना है? एक बार छोटी सी कहानी कहा करते थे, कभी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने बताई थी। एक साधक गुरु जी के पास आया और कहा कि प्रभु मुझे बहुत भय लगता है, मुझे संकटों का भय लगता है, मुझे लक्ष्मी प्राप्त हो, सारे भय निकल जाए, सारा संकट निकल जाए, मैं साधना करने बैठता हूँ तो डर लगता है। तो प्रभु ने कहा ऐसा कर, तू गणेश जी की साधना कर, जिसका 1,25,000 मंत्र जप है तो कर ले, 1,25,000 मंत्र जप होते गणपति जी अगर आपको प्रसन्न हुए तो तुम्हारा काम हो जाएगा। वो गणपति साधना करने के लिए बैठा, गणपति साधना चल रही थी तो उतने में उसका बेटा बीमार हो गया, उसको भी बुखार आ गया, उसके घर में कोई तार ऐसा ही ऐसी तार आ गई कि उसको साधना छोड़नी पड़ी। उसने अरे गुरु जी ने कहा था गणपति साधना है, गणपति साधना नहीं, मेरे को गणपति अच्छे नहीं लगते, गणपति की साधना छोड़ दी और वो दूसरे गुरु के पास गया। दूसरे गुरु ने कहा देखा, अरे बेटा तुझे तेरे गणपति की साधना नहीं, तू दुर्गा साधना कर ले। वो दुर्गा साधना करने बैठ गया। दुर्गा साधना उसने भी कुछ 21,000-60,000 जप करने के लिए कहा। जब करते करते वहाँ उसमें भी अड़चन आई, वो वहाँ से भी उठा, बोले ये साधना भी करा, ये साधना भी मुझे नहीं हो रही है, और वो छोड़ के चला गया। तीसरी बार किसी के पास गया, उसने कहा तू लक्ष्मी की साधना कर, बहुत अच्छा चलेगा। लक्ष्मी की साधना हो गई। उसके बाद और कुछ देवताओं ने कहा तू ये साधना कर, वो साधना कर। जब सारी साधनाएं कम से कम 5-6 बार साधनाएं करके हार गया तो सीधा गुरु जी के पास गया, जो पहले गुरु जी थे, जिन्होंने कहा था गुरु जी आपका नाम तो बहुत बड़ा सुना है, आपने कही थी मैंने गणेश जी की साधना की, झूठ क्यों बोलता हूँ गुरु जी, आपकी गणेश साधना करते समय मुझे अड़चन आया और मैं साधना छोड़ दिया और दुर्गा साधना करने चला गया। दुर्गा साधना की और मैंने बहुत सारी साधना की और मुझे एक भी साधना में सफलता नहीं मिली। गुरु जी ने हंसकर कहा तुमने साधना क्यों छोड़ी? तो उसने कहा साधना करते समय बुखार आ गया था, बच्चा बीमार हो गया था, इसलिए साधना छोड़ दी।
तो गुरु जी ने कहा मैं अब तूने कितनी साधनाएं की है उन एक एक देवता का नाम ले ले, मैं उन्हें एक एक देवता को बुलाता हूँ। उसको लगा कि ये क्या ऐसा क्यों गुरु जी कह रहे, बुलाता हूँ तो सुन तो कही। उसने कहा पहले साधना मैंने गणेश जी की साधना की, गुरु जी ने प्रार्थना की गणेश जी आप यहाँ आ जाइए, इसने साधना किया और आपको इसमें अड़चन निर्माण किया, क्यों किया और उसकी साधना संपूर्ण क्यों नहीं की। तो उसने गणेश जी आते आते कहा अरे ये मेरे को पुकार रहा था, आधे रास्ते आ गया तब तक तो उसने छोड़ दी, दुर्गा के पास चला गया, मैं बोला दुर्गा करने वाली है, मैं इसलिए वापस चला गया। दुर्गा को बुलाया गया, माँ दुर्गा ये साधना कर रहा था आप इसको प्रसन्न नहीं हुए छोड़ देंगे, मैं क्या बताऊं दरवाजे तक आई थी ये लक्ष्मी साधना पर बैठ गया था, मैं जब तक आई मुझे आना तो पड़ता है, मेरी साधना तो सुनना पड़ता है। तो हम साधना करते समय हम देवताओं को और गुरुओं को बदलते रहते हैं, तो एक निष्ठा के साथ एक को पकड़ कर चलते हैं, देवता भी समय बदलते। इस बार एक बात कहता हूं कि हम साधना करें और हमारी पुकार उस देवता तक पहुंचे, जिस दिन देवता तक पहुंचेगी देवता को लगा कि इसकी पुकार सही है तो देवता तुम्हारा निश्चय ही काम करेंगे। मैंने कल बताया था दो प्रकार की विधियां हैं, एक मैं धर्म के साथ चलता हूं, न्याय के साथ चलता हूं, मैं रोज स्तोत्र का पाठ करता हूं, मैं देवताओं की रोज फूल गंध अक्षर करके पूजा करता हूं। तो धर्म के साथ चलोगे तो देवताओं को प्रार्थना करनी पड़ेगी, प्रभु ये मुझे दो वो दो ये दो प्रार्थना करनी पड़ेगी, और देवता की इच्छा हुई तो आपको नहीं, किसी को भी प्रार्थना करो तो मेरी इच्छा है तो दूंगा नहीं तो नहीं। धर्म का मामला ऐसा होता है देवता पर आधारित है कि तुम्हारे पुकारने पर तुम्हारे स्तोत्रों पर आधारित है, लेकिन कर्म का काम ऐसा है, कर्म है साधना। तुम्हें कहा गया कि तुम इस सवालाह मंत्र को जप, इस सवालाह मंत्र का जप करो तुम्हें साधना सिद्ध होगी, तो भगवान को आना ही होगा, तुम्हें देना ही होगा, इसलिए धर्म से बढ़कर कर्म है और कर्म है साधना। कर्म में कहा गया है तुम अगर बीज लगाओ तो वृक्ष होगा ही होगा, उसके फल होंगे फूल होंगे सब होंगे, लेकिन आप फल तोड़ने की कांक्षा करते, किसी के दूसरे का वृक्ष है और उसमें फल लगा हुआ है और आप फल लेने की कांक्षा करते हो तो एक या दो फल ले सकोगे। तीसरे फल के लिए उस पेड़ का मालिक कहेगा बस भाई अभी नहीं लेना। धर्म हमारे को मांगने के लिए आबद्ध करता है, बद्ध करता है, लेकिन साधना कर्म जो है उस देवता को या उस गुरु को उस स्थिति को तुम्हारे कर्मों को देखकर उसे देना ही पड़ता है, क्योंकि मैंने ये कार्य किया है आपको पैसा देना ही है। जैसा आजकल आप मानो मैं कर्म किया नौकरी किया तो सैलरी देनी है नहीं तो स्ट्राइक हो जाएगी। कर्म का अर्थ है साधना करना, और साधना में ये कहा गया है तुम ये साधना करो तुम्हें इस तुम्हारा इसका फल मिलेगा, तुम ये साधना करो तुम्हारे देवता प्रत्यक्ष होंगे, ये कहा गया है। ये बात कहता हूँ, बहुत से लोग ये भी बात कहते हैं हमने साधना की गुरु हमारे कुछ फल नहीं मिला, तुम्हारी साधना खाली नहीं जाएगी, तुम्हारी साधना का फल आज नहीं तो कल देवता को तुम्हें देना ही है, वो तुम्हें पुत्र रूप में देगा तुम्हें देगा या तुम्हें अगले जन्म में देगा, ये तुम्हारी साधना की भावना है। आप अगर गुरु पूर्णिमा का कैसेट परम पूज्य सद्गुरुदेव का 1997 का जब हैदराबाद में गुरु पूर्णिमा हुई थी उसका कैसेट अगर आप सुनो तो उसमें गुरु जी ने एक बात कही, बोले यह जो जोशी है, मेरे बारे में बाजू में बैठा था शिविर हो रहा था, यह जो जोशी है पूर्व जन्म में इसने भुवनेश्वर की 18 बार साधना की थी और मैं उसका साक्षी हूं। जब ये इसको भुवनेश्वर सिद्ध हुई या सिद्ध होने की बात हुई तब मैंने इसके कहा जोशी बोल मुझे क्या चाहिए, भुवनेश्वर तुझे सिद्धि प्राप्त मैं देता हूं। तो जोशी ने कहा था ये जन्म में नहीं प्रभु, ये जन्म में तो आप सब कुछ है मेरे लिए, आपकी कृपा ही मेरे को सब कुछ है, मुझे कोई सिद्धि नहीं चाहिए, अगर मुझे आवश्यकता पड़ने पर इस साधना की सिद्धि को मैं पूछूंगा। और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने उसी मंच पर कहा गया था कि जोशी आज सभी लोक कल्याणार्थ इस शिविर में भुवनेश्वरी साधना देने की बात कर रहा है, वह जो पूर्व जन्म में कहा था आज इस जन्म में मैं उसे दे रहा हूं और वह साधना दे रहा हूं। इसका अर्थ यह है जब परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के मुख से यह बात निकलती है तो हमारी साधना जरूर कहीं ना कहीं तुम साधना करो, तुम्हारी साधना का फल तुम्हारा पीछा लगा कर तुम्हें जरूर फल देती है, ये आवश्यक है। आज नहीं तो कल तुम्हारा साधना का फल नहीं जाएगा। तुम अगर बीज बोए हो तो कभी कभी बीज कोई देरी से फल लेता है, कोई देरी से फूल लेता है, कोई देरी से आगे आता है, और जिसको पानी मिला तो वो एकदम से उग जाता है। साधना के बल पर साधना के साथ श्रद्धा रूपी पानी अगर आप उसको देते हो, विश्वास रूपी पानी को उससे सींचते हो तो फल जरूर आएगा, पौधा बढ़ेगा भी। लेकिन हमारे में जब ये कम हुई तो बीज बोए हो तो पानी जब उसको लगा तो पौधा होगा, लेकिन कुछ देर लगेगी।
आप इससे निराश मत हो कि मैंने साधना की है और मेरी साधना का फल नहीं मिला। मेरे जीवन में भी मैंने देखा है, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को जब पहली बार मिला, जब उन्होंने उनका मैंने पुस्तक तांत्रिक सिद्धियां पुस्तक पढ़ी, तो उसमें गुरु जी ने कहा था कि हम साधना के मार्ग से किसी भी देवता को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, जैसे दश महाविद्याएं बगलाम की साधना हो, तारा साधना हो, कर्ण पिशाचिनी साधना हो, गुरु जी बहुत सारी साधनाएं बताई। मुझे आश्चर्य लगा क्या कि इस कलयुग में लोग तो कहते हैं मैंने बहुत सारे आचार्यों से बात किया साधना सिद्ध होती है, देवता का प्रत्यक्ष देवताओं को देख सकते हैं। और मैं जब परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के पास पहुंचा तो पूछा प्रभु आपने ऐसा लिखा है कि प्रत्यक्ष सिद्धि होती है, बहुत लोगों ने प्रत्यक्ष सिद्धि की सिद्धि देखी है, तो क्या मैं प्रत्यक्ष सिद्धि कर सकता हूँ? तो गुरु जी ने कहा क्यों नहीं कर सकते, तुम्हारा गुरु अगर योग्य हो, तुम साधना सही ढंग से करते हो तो जरूर तुम्हें साधना सिद्ध होगी। अगर बीज बो रहे हो, इसलिए हम मंत्रों के बीजाक्षर कहते हैं, बीज अक्षर, उस देवता का बीज अगर तुम बोते हो तो वो देवता जरूर उत्पन्न होगा किसी भी मार्ग से, और वो देवता तुम्हें आशीर्वाद देगा ही देगा। उसी इसलिए बीजाक्षर कहा गया है, उसी इसे बीज कहा गया है, बीज मंत्र कहा गया है। हम उसके उसको बोएंगे, उसका बोने का तरीका यह है आपके हृदय पटल पर, आपके हृदय, आपका हृदय, आपका मस्तिष्क वो जमीन है जिसमें बीजाक्षर को बोया जाता है, और जब बोया गया आपकी चक्षु के माध्यम से वृक्ष बड़ा होगा, फल देगा और आपको प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगा। आप उस बीज का, उस बीज को बोने की बोने का ढंग जानो, उस बीज को बोने का तरीका जानो, उसको सींचने का विधान जानो। इसका कारण, इसका जब तक तुम्हें विश्वास नहीं होगा, गुरु के प्रति तुम निष्ठावान नहीं होगे, तब तक ये कार्य होने वाला नहीं। गुरु के प्रति निष्ठावान होना हमें जरूरी है। गुरु के प्रति हम अपना कार्य करें, गुरु पर विश्वास रखें, गुरु की कृपा का पात्र बनने की कोशिश करें। जब हमारे जीवन में यह होगा तो हमें पीछे पलट के देखना नहीं है। बात यह है कि हमारे बहुत सारे साथियों में, बहुत सारे साथियों में, गुरु भाइयों में एक शंका उत्पन्न होती है। इसलिए होती है, शंका उत्पन्न करते हैं लोग, क्या कहें, अरे जोशी आए हैं, जोशी को तो कोई साधना मंत्र का अधिकार नहीं है, मंत्र का अधिकार तो हमें ही दिया गया है। सही है भाई, मंत्र का अधिकार आपको ही दिया गया है, हम मानेंगे। लेकिन अगर वो गलत है, वो कहता है मुझे भी गुरु जी ने मंत्र का अधिकार दिया है, क्योंकि मैं दक्षिण का रहने वाला था, वहाँ भाषा की समस्या थी, और उस कारण गुरु जी ने कहा था कि इनको समझा गुरु क्या है, गुरु मंत्र क्या है, गुरु दीक्षा क्या है, और उसी भाषा में तो उसको गुरु मंत्र बोल, गुरु मंत्र की दीक्षा दे, और तब से मैंने दीक्षा देने का कार्यक्रम किया था। लेकिन लोग आपको भटकाएंगे जरूर ये कहते हुए कि जोशी गुरु नहीं है। मैं मानता हूँ मैं गुरु नहीं हूँ, मैं गुरु भाई हूँ। जो ज्ञान मैंने गुरु से लिया है वो ज्ञान देने के लिए आपके पास आया हूँ। मैं कोई पैसा कमाने के लिए आपके पास नहीं आया, और पैसा कमाना मेरा ध्येय नहीं है। अगर मेरे गुरु सक्षम है और मेरी साधनाएं सक्षम है तो मैं जरूर पैसा कमाऊंगा, पैसा कमा के कार्य करूंगा, गुरु कार्य करूंगा, करते रहूंगा। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। मेरा कहना एक ही है, साधनात्मक बनो। गुरु ने सिद्धाश्रम साधक परिवार की स्थापना की है, गुरु जी ने अहिरेगिरी ऐसी कोई साधना, ऐसी कोई परिवार की स्थापना नहीं की। उसमें साधक का अर्थ होता है साधना करने वाला, साधना करने वाले को साधक कहा गया है, और ऐसे ही परिवार की स्थापना की थी, और गुरु जी उस परिवार के यजमान। हम उस परिवार में जब चलते हैं तो हमें साधना करनी है। साधना वह चीज है जैसे जैसा मैंने आपको बताया, आप करेंगे तो फल आपके पीछे पीछे रहेगा, जरूर एक दिन वो सामने आकर आपका फल का उसका फल मिल सकेगा। मैं भी शिविरों में, बड़े गुरुदेव शिविरों में ऐसा ही बैठा करता था, इच्छा होती थी कभी कभी कि भाई मैं भी शिविर करूं। एक छोटी सी नौकरी करने वाला, एक शिविर करने के लिए कितना पैसा चाहिए आप जानते हैं? आयोजकों को कितना झेलना पड़ता है, कितना करना पड़ता है। कभी बैठे बैठे पति पत्नी हम दोनों भी आपके जैसा ही बैठा करते थे, और ये चाहते थे कि शिविर हो, एक शिविर करने के लिए इतना खर्चा होता है। हम तो नौकरी करने वाले महीने को 1500-2000 रुपये नौकरी आती है, उससे शिविर कहाँ से कर सकेंगे एक गरीब परिवार। लेकिन दिन में जिज्ञासा थी कि मैं शिविर करूंगा, और मैं लक्ष्मी साधनाएं आदि साधनाएं करता रहा जो गुरु जी की पुस्तक में दी हुई थी। गुरु दीक्षा मैंने ले ली थी और साधनाएं करता रहा। जीवन में इच्छा थी कि गुरु जी का शिविर करूं। बहुत बार दिल में आया कि गुरु जी के पास जाकर शिविर करने की बात कहूं, लेकिन नहीं, मेरे साथ दूसरे साथी रहा करते थे, धैर्य नहीं होता था कि कहीं गुरु जी को शिविर का ले वचन दे दो, और अगर नहीं करूं तो फिर गुरु जी का मैंने अपमान किया हो जाएगा और गुरु जी का शिष्य नहीं कहलाऊंगा। पैसे तो थे नहीं, तो ऐसे ही एक बार बैठे बैठे गए तो मेरे साथ और दोनों तीनों थे,
उन्होंने कहा भैया तुम क्यों डरते हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम सब लोग मिलकर शिविर करेंगे, शिविर के लिए जाएंगे, शिविर करवाएंगे, गुरु जी को पूछेंगे। तो उन सभी के लोग सभी लोगों को लेकर हम गए और गुरु जी कहा गुरु जी हैदराबाद में एक शिविर दो। पहले गुरु जी ने सबकी तरफ ताका, हम जब लोग बैठे थे, अरे शिविर वो तुम्हारा हैदराबाद, वहाँ दूसरी भाषा बोली जाती है ना, हमारी पत्रिकाएँ चलती है क्या, ऐसा गुरु ने कहा। गुरु जी हिंदी आने वाले भी हैं लोग, वहाँ उर्दू ज़्यादा चलती है, वैसे वो दक्कन कहलाता है, वैसे तेलुगु लोग भी है, हिंदी भी चलती है, फिर वहाँ शिविर होगा, हाँ गुरु शिविर करने की इच्छा है, ऐसा हमने कहा। तो गुरु जी ने अपनी सारी जो शिविर के कंडीशन होते हैं वो बताया, मैं हमारे लोगों के साथ आया, अरे यार इतने शिविर शुल्क, इतनी पत्रिकाएँ लाना, ये सब अपने साथ होने वाला है क्या, कहाँ से लाएंगे, आप भी अच्छी अजीब बात करते हैं। ये बात गुरु जी के कान पे गई, गुरु जी के पास में बैठा था, गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा क्या मूर्खता की बात करता है, बेवकूफ़ी की बात करता है। मैं एकदम चौंक गया कि गुरु जी ऐसा क्यों कह रहे। गुरु जी ने कहा तेरे हाथ से शिविर होगा, कोई कमी नहीं होगी, जा शिविर कर ले, ऐसा बोले मेरे पास। मैं पैसों के लिए डर रहा था कि पैसे कहाँ से लाऊं, और गुरु जी ने दीक्षा दी, गुरु जी ने एक दीक्षा दी और कहा कि जोशी ऐसा कर, मैं तेरे को दीक्षा दे रहा हूँ, बोल कि शिविर के बारे में तू पूछते, तेरे को जो तेरी जो इच्छा है वो प्रकट कर ले, तेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मैंने जब गुरु जी ने मनोकामना के लिए हाथ लगाया तो मैंने एक बात कही, गुरु जी आपका शिविर है, आप कर लो, मेरे पास पैसे नहीं। गुरु जी ने कहा जो भी कहा बहुत होशियार है, मेरे बाजू में बैठे थे लोग, पूछा उसने क्या पूछा है पता है, तुम्हारा शिविर है तुम कर लो, मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला, पैसा आप ही देने वाले हैं, ऐसा ऐसी बात है। गुरु जी हंसते हुए चले गए, लेकिन मैं गर्व के साथ कहता हूँ मैंने उसके बाद में साधनाएं संपन्न की और मैंने कंटिन्यू गुरु जी के अंतिम क्षण तक, गुरु जी के शरीर महाप्रयाण के दिन तक गुरु जी के साथ जुड़ा रहा और मैं हर साल गुरु जी का शिविर करता रहा। ऐसा शिविर गुरु जी ने गुरु पूर्णिमा में भी कहा है कि ऐसा हैदराबाद का अद्वितीय शिविर फिर कभी नहीं होगा, और वैसा ही हुआ। फिर उसके बाद में शिविर ही नहीं हुए, दूसरे गुरु पूर्णिमा को गुरु जी अपना महाप्रयाण कर चले गए। मैं आपसे ये बात जरूर कहता हूँ कि हम अगर अपने दिन में विश्वास रखें कि हम मैं गुरु कार्य करूँगा, आप गुरु कार्य करते रहो, गुरु आपका कार्य जरूर करेंगे, आपका कोई भी कार्य हो करेंगे, लेकिन आपकी शर्त यह है कि आप गुरु कार्य करते रहें, गुरु जी आपका हर एक काम किसी कार्य में भी कोई कमी नहीं आने देंगे, लेकिन वो कार्य निस्वार्थ रूप से हो, वो कार्य गुरु कार्य में ये स्वार्थ मत रखो कि मैं पैसा कमाऊंगा इससे मेरे को पैसे कितने आएंगे, मैं पैसे कितना दूंगा, यह नहीं। गुरु कार्य है निस्वार्थ रूप से है, आपको भी गुरु जी निस्वार्थ रूप से ही आपका कार्य करवा के देंगे, ये मेरा अनुभव। बात यह भी बहुत दिनों तक मैंने गुरु जी के साथ तो साधनाएं करते हुए दिन बिताए, गुरु जी की कृपा से जोधपुर में रहा, जोधपुर में साधना के लिए रहा दो तीन दिन, और मैंने साधनाएं संपन्न की, गणेश जी की साधना संपन्न की, गणेश जी के प्रत्यक्ष दर्शन गुरु जी ने करवाए। उसके बाद जो सिलसिला चला, 1984 में मैं पहली बार गुरु से मिला और 1993 तक ऐसी परीक्षाएं मेरे जीवन में हुई कि मैं एक एक पैसे के लिए तरसा। घर में कैसे जीवन, सरकारी नौकरी थी, कैसा चाहता तो गुरु जी के पास इसीलिए गया था कि मैं डिप्टी कलेक्टर बनूं। मैंने परीक्षा दी थी, पास भी हो गया था, और गुरु जी के पास ये कहकर गया था कि गुरु जी मुझे, मैंने डिप्टी कलेक्टर की पैसा परीक्षा पास किए, मैं होना चाहता हूँ। तो गुरु जी ने अपने स्वाक्षर से, मेरे पास अभी आज भी वो कागज है, गुरु जी ने लिखा था अनिल कुमार जोशी डिप्टी कलेक्टर। अब बोलो अगर गुरु जी के हस्ताक्षर से लिखा हो तो वो आदमी कितना खुश हो जाता है, कितनी खुशी रहती है उसमें कि जिस सिद्ध अक्षरों ने ये बात लिखी है तो मैं जरूर हो जाऊंगा। मैं बहुत आनंद के साथ आया और सबको कहने लगा कि मैं जैसा क्या, मैं गवर्नमेंट का ऑर्डर आने में आने मैं डिप्टी कलेक्टर हो गया। लेकिन बाद में ये चला कि बहुत दिनों तक वो परीक्षाएं कोर्ट में चली गई, कोर्ट में उसके बारे में कोर्ट में स्टे मिला, फिर 10 साल तक वो केस हुआ ही नहीं, बाद में वो केस फेल ही हो गया और मैं डिप्टी कलेक्टर नहीं हुआ। अब मेरा उस समय मेरी हालत क्या होनी चाहिए आप बताओ। लोगों को तो मैं बोल गया डिप्टी कलेक्टर होता हूँ और लोग मेरे पर ताने कसने लगे, मेरे माँ बाप, मेरे भाई, मेरे दोस्त, अरे उसके गुरु के पास गए डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर नहीं हुआ, अभी भी वही नौकरी कर रहा, क्या हालत हुई होगी मेरी। मैं बहुत तंग हो गया, मैं कहीं मुंह बताने के लायक नहीं रहा। और उसके इस सिलसिले में मैं साधनाओं के मार्ग में पढ़कर नौकरी भी छोड़ दिया,
अब पत्नी दो बच्चे मैं भाई माता पिता सब ये सब लोग ताने कसने लगे कि तुम ऐसा करते हो, गुरु गुरु का गुरु गुरु का नाम लेते हो, तुम्हारे साथ कुछ होने वाला नहीं, तुम तो ऐसे ही काम गुजारोगे, बेकार हो गए हो। और एक बार मुझे याद है मेरे पिताजी ने गुरु जी को पत्र भी लिखा कि तुम्हारा शिष्य नौकरी को छोड़ देकर साधनाओं के पीछे पड़ा हुआ। ये बात 9 साल तक चली 1993, मुझे आज भी वो दिन याद है, 3 जून 1993 के दिन मैं दिल्ली जोधपुर में गया, गुरु जी बैठे हुए थे और सभी के लाइन के बाद मुझे बुलाया गया, तो मैं गया, गुरु जी देखे कहाँ से आया, मैं बोला हैदराबाद से आया, गुरु जी बहुत दिनों से मैं साधनाएं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मेरी त्रुटियाँ होंगी, मेरी साधनाएं सफल नहीं हो रही, लेकिन एक बात कहता हूँ गुरु जी, लोगों की ताने सुन सुनकर बहुत थक गया, स्वयं मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त सब लोग मुझे ताने सुनाते, मैं नौकरी को ऑलमोस्ट छोड़ दिया हूँ, छुट्टी पर चले गया हूँ सरकारी नौकरी की, मेरी पत्नी को भी सरकारी नौकरी की उसने भी छोड़ दी, माता पिता है, दो बच्चे हैं, दो बच्चे पढ़ना है, मैं इसकी चिंता भी कभी नहीं करता गुरु जी। मैं एक सिर्फ एक बात आपसे कहकर आज जाना चाहता हूँ, एक बात वह ये बात कि गुरु जी अगर इस संसार में आप मेरे आखिरी जीवन तक मेरे को कुछ हो ना हो, मेरे को लोगों के ताले सुनने पड़े, लोगों के गालियां सुनने पड़े, कष्ट सुनने पड़े, मेरे को और भी कष्ट देने पर कष्ट सहन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपका असमर्थ शिष्य बनकर जीना नहीं चाहता, शिष्य सामर्थ्यवान बनकर जीऊंगा, नहीं तो मुझे मृत्यु दे दो, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। मैं ऐसी असमर्थ जिंदगी नहीं जीऊंगा। गुरु जी मेरी तरफ देखे, हंसे और कहा कि जोशी तू मेरी परीक्षा में पास हो गया, मुझे डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा से मिलेगा, ये परीक्षा में गुरु जी का कहना पास होना बहुत श्रेष्ठ कहलाएगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं नाश्ता निकले शाम परीक्षा में बहुत ही क्वचित लोग ही पास होते हैं या बहुत कम लोग ही उसकी उसमें उत्कीर्णता प्राप्त करते हैं। उस समय तो मुझे नहीं लगा कि गुरु जी ने क्या कहा और मैंने क्या सुना, गुरु जी ने दीक्षा दी, दीक्षा देकर जैसे ही मैं पलटा हैदराबाद आया तो लोग सभी लोग मेरी ऐसी तारीफ करने लगे कि जोशी तू क्या है, तू बहुत महान है, तू ब्रह्मा है, तू विष्णु है, अरे मैं बोला एक मिनट में क्या हो गया, कल तक सब लोग ताने सुना रहे थे, कल सब लोग गालियां दे रहे थे मेरे को, आज मेरे को ब्रह्मा विष्णु महेश है क्या बात है। मुझे तब लगा ये गुरु जरूर गुरु जी की दीक्षा का फल है और मैं तुम्हें कहता हूँ उस दिन से लेकर आज तक पलट के नहीं देखा, मैं चाहता हूँ तो जिस देवता को चाहता हूँ उस देवता को मेरे सामने खड़े हुए देखता हूँ, ये गुरु कृपा है। और आपको भी कहता हूँ कभी निराश मत हो जाओ, जीवन में आशा के साथ गुरु जी को पकड़ के रहो, ये जीवन तुम्हारा गुरु जी के लिए अर्पण करो और कहो कि यही मेरे गुरुदेव है और मैं इस गुरु जी जो योग्य गुरु के चरणों में मैंने सर रखा है, आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, लेकिन उनके परीक्षा में पास होना जरूरी है, वो बहुत आपको कष्ट देते हैं ये भी मैं मानता हूँ, उनकी परीक्षा बहुत कठिन है, अग्नि परीक्षा से बढ़कर, लेकिन जो उनकी परीक्षा में जीता वो संसार भर का संसार में सर्वश्रेष्ठ कहलाया, उसके जीवन में किसी तरह की कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन ये बात भी उतनी ही जरूरी है, गुरुजी ने अपने जीवन में 18 साल तक हिमालय में घूमे, साधनाएं करके रहे, पांवों के छाले पड़े, उन्होंने कितने ही दिन उपवास रहा, हर एक साधना के लिए एक ही गुरु के पास सालों साल उनकी सेवा करके लंगोट धोया, ऐसा गुरु ने कहा, और उन्होंने साधनाएं प्राप्त की, साधनाएं की, ऐसे महान गुरुदेव के हम शिष्य हैं, हम उन गुरुदेव की साधनात्मक दिव्यता को, उनकी चैतन्यता को, उनके अग्नि को, उनके तेज को हमारे में समाहित करने का भी हमारे में शक्ति नहीं है, उसके लिए हमारा शरीर शुद्ध होना जरूरी है, हमारा मस्तिष्क शुद्ध होना जरूरी है, हमारी श्रेष्ठता जरूरी है, तब कहीं हम गुरु जी के चरणों में सर रख सकेंगे और हम गुरु जी की उस तेज दिव्यता को प्राप्त कर सकेंगे। गुरु जी कहा करते थे, प्रभु जी सदगुरु जी का भी कहना था, बोले जैसे जिस मंत्र को पढ़कर अगर मैं देवताओं को सिद्ध कर सकता हूँ, देवताओं को बुला सकता हूँ, इस मेरे वाक सिद्धि को, वाक शुद्ध को, वाक शुद्धिता को, इस वाक में अगर किसी शिष्य का नाम आ गया तो समझ ले वो देवता है, क्योंकि मैं देवताओं को बुला सकता हूँ तो किसी शिष्य का नाम को बुलाता हूँ तो वो भी देवता है। ये गुरु जी का कथन था। मैं मानता हूं कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के मुख से जिनका भी नाम लिया है आज या तो वे गुरु बनकर बैठे हैं या तो सिद्ध बनकर बैठे हैं, उनके चरणों पे जिन्होंने विश्वास किया, विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनके सारे काम होते हैं, लेकिन लोग बीच में छोड़कर चले जाते हैं ये कहते हुए कि हमारे को कुछ नहीं प्राप्त हुआ। वो गुरु जी के वो क्षण हैं जैसे सूर्य है, आज अगर हम
सर्दी के दिनों में भगवान सूर्य के पास जाते हैं तो सूर्य के पास सामने रखना बहुत अच्छा, गर्मी का अच्छा लगता है। जब वही गर्मी के दिनों में सूर्य के पास, अरे वाह क्या प्रचंड धूप है, जिसे लू लग गई, सर्द खत्म हो गया, वही सूर्य उस समय भी था, आज भी वही सूर्य है, बारिश में भी वही सूर्य रहेगा। नदी में स्नान करने जाते हैं तो अच्छी नदी रही तो अच्छे तैरते हैं, अच्छी तरह करते हैं, लेकिन बाढ़ आती है तो नदी को गालियां देते हैं, कितने लोग मर गए, वही नदी है, तब भी वही नदी थी, आज भी वही नदी है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी गुरु के कुछ क्षण है, वो क्षण में वो देखते हैं कि क्या बाढ़ में आने वाली गाली देगा, बाढ़ में आने गंगा की आरती होगी, गंगा की पूजा होगी नहीं होगी, सूर्य की भगवान की छठ के दिन पूजा होती है, और जब गर्मी में आए तो सूर्य को फिर अर्घ्य देते हैं या नहीं देते हैं, सूर्य की पूजा होगी या नहीं होगी। हम देवताओं को और ये इस क्रिया को जो बदलते हैं, वो क्रिया को बदलने के लिए हम ये छोड़ देनी चाहिए, हमें अपने गुरु के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, हमें हमारे गुरु के प्रति विश्वास होना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे लोग बहुत बार दस महाविद्याएं अभी साधनाएं गुरु के कहने पर करने लगे, बहुत लोगों को आशा थी कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बदल आएगा। मैं भी साधनाएं करते रहा, कालपुरुष साधना मैंने पहली बार गुरु के कहने पर की थी, और उस कालपुरुष साधना में मुझे जैसा गुरु ने कहा था वैसी सिद्धि प्रतीत हुई, और आशाएं बढ़ती गई मैं और साधनाएं करूं और साधनाओं को प्राप्त करूं। मैंने पहली दसवां विद्या की साधना तारा साधना संपन्न की, एक बार किया, दो बार किया, तीसरी बार किया, साधना में कोई सफलता नहीं हुई। अब मुझे ये इच्छा थी कि मैं गुरुजी के पास जाकर कहूं कि प्रभु मैंने तीन बार तारा साधना की है, मुझे तारा साधना सिद्ध नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि जोशी ऐसा कर, तुम्हारे हैदराबाद के पास ज्योतिर्लिंग का शक्तिपीठ है ओ श्रीशैलम नाम का शक्तिपीठ है, यहाँ 80 एकड़ में बहुत भारी जंगल पड़ा हुआ है, वहाँ बहुत सारे ऋषि योगी सिद्ध आज भी वहाँ बैठे रहते हैं, तो ऐसा कर फलाना जगह उन्होंने कही कि जहाँ दो धाराएं बहती है, एक दूध की जैसी धारा बहती है जंगल में और एक जगह पानी की धारा, उसे तेलुगु में पाला धारा पंचधारा कहते हैं, ऐसी जगह तो जाकर तारा साधना संपन्न कर। अब मुझे लगा मैं तो था उस समय मेरी ज्यादा से ज्यादा उम्र होगी 30 या 32 साल, और गुरु ने कहा कि साधना पत्नी बैठी हुई, और गुरु ने कहा 5 दिन साधना करनी है, और जंगल में एक जगह जब तू बैठ जाए तो उससे तुझे उठना नहीं है, रक्षा का घेरा चक्र लगा लेना है और तुझे साधना में बैठ जाना है, और इतना मंत्र 5 दिन में संपूर्ण करना है। गुरु जी की आज्ञा हुई, पहले तो धैर्य नहीं था, सच कहता हूं अगर आप मानो ना मानो, मेरी माँ जब घर में गांव में अगर कोई मर गया तो हमें दरवाजे लगाकर अंदर बैठ जाते थे, बेटा तू बाहर मत जा, तो जब तक श्रम नहीं जाएगा तो बाहर बैठ जा, इतना डरपोक था मैं पहले, मेरी माँ का आंचल पकड़कर जीने वाला था, उतना डर मुझ में था, बाहर कहीं नहीं जाता था, रात में जाने के लिए भी डर लगता था, ऐसा भयग्रस्त मनुष्य, ऐसा भयग्रस्त व्यक्ति, जब से मैंने गुरु मंत्र जप लिया डर तो चला गया, लेकिन जब गुरु जी ने कहा कि तुझे जंगल में जाकर फलानी जगह साधना करनी है, अकेला जाना है, और एक शब्द गुरु जी ने दूसरी शब्द भी लगाए, तो साधना करने के लिए जाते समय हैदराबाद से वहां जाने के लिए कितना किराया होता है उतना ही किराया लेना, और उससे 2 रुपये बढ़कर लेना, उससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं लेना। मैं बोला गुरु जी पलट के कैसा आना, वहां जाऊंगा, आने के लिए तो किराया होना, तुझे मुझे बात करना नहीं, मैं जो आज्ञा दे रहा हूँ उसको करना, जाने का किराया ले जा, 2 रुपये रख ले, अब 2 रुपये रख ले, जंगल में साधना करूँ तो आगे आए वहां से भय आरंभ हो गया, अरे जाने का तो बोल रहे हैं, आने का किराया नहीं, बोले कौन देगा किराया, जंगल में कौन पता है, और खाना कुछ नहीं ले जाने का, 5 दिन बैठने का है, 5 दिन बैठूंगा कैसे, आऊंगा कैसे, और गुरु ने कहा तुझे तारा साधना सिद्ध नहीं हुई ना, तू जाके मैं जैसा कहता हूँ वैसा सुन। आखिर गुरु जी ने कहा था मंगलवार के दिन साधना आरंभ करनी है, और तुझे एक जगह बैठने के बाद घाट से न मलमूत्र विसर्जन के लिए उठना है न खाने के लिए उठना है, एक जगह जहाँ बैठा है वहीं बैठ कर रहना है, रक्षा चक्र खींच के गुरु ने मंत्र बताया, साधना बताई, मैं यंत्र माला ले लिया, पत्नी को बताया 5 दिन साधना के लिए जा रहा हूँ, गुरु की कृपा है, अगर अच्छा आया तो ठीक है, नहीं तो आता हूँ, नहीं आता हूँ जंगल हो पहले जा रहा हूँ, डर के साथ तो जा रहा हूँ, जहाँ तरह बस किराया का पैसा लिया, जाके श्रीशैलम जंगल में फलानी जगह उतर जाओ, बोले उतर गए, वहाँ देखता हूँ तो 100 सीढ़ियाँ नीचे जंगल में, वो नीचे जाना है जहाँ आदिशंकराचार्य ने तपस्या की थी, उसके नीचे जाना है, गया, गुरु ने जो झाड़ बताया था वो झाड़ देखा, मिला, देखा तो क्या घना जंगल है, कोई ऐसे दोपहर के वक्त में भी वहाँ अंधेरा अंधेरा छाया हुआ है ना, सूर्य की किरणें भी आती है, ऐसी जगह है वो, वहाँ जाके बैठ गया और साधना के लिए बैठा, डर आरंभ हो गया,
बोले सुबह ही ये आवाज, सुबह ही ये स्थिति है तो रात में तो क्या होगा, चमगादड़ कहीं पक्षी कहीं सर सांप आदि सब आएंगे। गुरु जी ने क्या परीक्षा रखी, आप बोला गुरु जी आप कुछ भी कहो, मेरे से साधना यहाँ होने की बात नहीं है, मैं तो चला हैदराबाद चला, बोला तो दो रुपये भी है, अभी पैसा देते तो चला भी जाता, लेकिन पैसे दो रुपये अभी किसको मांगो, अभी जाने के लिए भी तो चाहिए। थोड़ी देर बैठा रहा उसी जगह बैठा, ठीक है गुरु जी बोले तो प्रयत्न करेंगे, अगर बीच में उठना रहा तो देखेंगे जैसा होना है वैसा होता। गुरु जी ने जैसे कही रक्षा चक्र खींचा, वो पेड़ के नीचे बैठ गया, शुरू हो गया। थोड़ी देर के बाद पत्तों के अशस्त्र शस्त्र आवाज आई, अरे सारा सांप तो नहीं आ रहा, डर आरंभ हो गया। फिर थोड़ी देर देखता हूँ थोड़ी ऊपर से पक्षी की आवाज आ रही, अब एक डर एक एक क्षण एक एक घंटे घंटे को बढ़ता गया। बाद में जब रात होने को आई तो जोर से शेर के दहाड़ की आवाज आई, अब बोला यहाँ से तो चलना ही अच्छा है, अब रात है ना, बाहर बाहर जा सकते हैं ना, अंदर बैठ सकते, स्थिति है बाहर जाऊंगा तो शेर सामने से आ गया, तो जहाँ बैठा हूँ वहाँ बैठना ठीक है, आगे से आगे नहीं जाने का, क्योंकि श्रीशैलम का जंगल शेरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बैठ गया, डर तो मानो ऐसा हो रहा है कुछ ने अभी आंखें मूंद लिया, और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का स्मरण करता रहा, प्रभु मैं कोई तारा साधना नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, केवल तुम्हारा मंत्र जप करूंगा, कल सुबह हुई तो पहले भाग जाऊंगा यहाँ से, कुछ भी हो मेरे से तो साधना होने वाली नहीं, साधना नहीं करूंगा, मेरे से होने वाली चीज नहीं।